डॉक्टर साहब, आज मैं जानना चाहूँगी कि पति पत्नी प्रेगनेंसी को लेकर ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी कंसीव ना करना, ये क्या कारण हो सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? शुक्रिया रिया, बहुत आम सवाल है लोगों का कि कितने समय कोशिश करें, कब डॉक्टर से मिलें, किस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये जानना ज़रूरी है कि पति और पत्नी दोनों में कारण हो सकते हैं, या पति में या पत्नी में, या हो सकता है दोनों में कारण हो सकते हैं। अब जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, प्रेगनेंसी होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं बताना चाह रही हूँ। यह है बच्चेदानी, बच्चेदानी का ठीक होना ज़रूरी है, उसमें कोई विकार ना हो, ये ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये ट्यूब्स जो आप देख रहे हैं, नलियाँ, इन ट्यूबों की बहुत ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में, तो ट्यूब ठीक होने चाहिए। साथ साथ अंडेदानी, जिसमें से अंडा निकलता है, ये स्त्री का अंडा है। और दूसरा, पति से निकला हुआ शुक्राणु, वो भी ठीक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर ठीक हो तो प्रेगनेंसी काफ़ी जल्दी हो जाती है। अब अगर आप चिंतित हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को समय दें। यदि आप यंग हैं, 25 से 35 साल की उम्र है आपकी और आपके पत्नी की, और आप अभी बस कोशिश करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं प्रेगनेंसी की कोशिश करना, तो ज़रूरी है कि चिंता ना करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और एक साल अपने आप को समय दें। समय देने के लिए ज़रूरी है कि महिला की माहवारी नियमित होनी चाहिए। यदि नियमित नहीं है, यदि महिला को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पति को बार बार जेनिटल्स का इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस केस में अपने आप को एक साल समय देने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मिले। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, जैसे कि आपको बार बार इन्फेक्शन नहीं होता, आपकी माहवारी नियमित आती है, तो एक साल ऐसे कपल्स को अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक जानकारी इम्पॉर्टेंट है, फर्टाइल पीरियड, यानी कि जब महिला की माहवारी आती है, उससे 7 से 8 दिन के बाद जो आगे का 10 दिन वाला पीरियड होता है, उसे फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। उस समय संबंध रखने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस अच्छे होते हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, पिछले एक साल से लगातार हर महीने फर्टाइल पीरियड में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में जाकर आपको डॉक्टर से मिलना है। किन केसेस में जल्दी मिलना है? यदि महिला की उम्र 35 से ज़्यादा है, यदि आपको इन्फेक्शन है, यदि आपकी माहवारी नियमित नहीं होती, यदि पहले आपको PCOS का डायग्नोसिस या एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस हो चुका है, तो इस केस में जल्दी मिले ताकि डॉक्टर देखें कि आपके यूट्रस में, बच्चेदानी में, अंडेदानी में, ट्यूब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पति के शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद कुछ जाँचों के बाद आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये कहना गलत है अगर कोई कह रहा है, पड़ोस का आदमी या आपका कोई डॉक्टर कह रहा है जिसे जानकारी नहीं है, कि आप माँ नहीं बन सकती हैं। आजकल के ज़माने में आधुनिक ट्रीटमेंट के साथ हर तरह का मर्द और हर तरह की औरत किसी न किसी तरीके से प्रेग्नेंट हो ही सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि माँ बनना संभव नहीं होता। आजकल देखिए कि महिलाओं के साथ वज़न को लेकर भी बहुत परेशानी हो रही है, वज़न भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो क्या वज़न भी एक कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, खानपान, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी तरफ से, डॉक्टर के इलाज के पहले अपनी तरफ से आपको क्या करना है, वज़न को नियमित रखना है, BMI को बैलेंस में रखना है। वज़न बढ़ने से इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का रेट बढ़ता है। वज़न ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी लेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वज़न ज़्यादा है, BMI नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो प्रेगनेंसी होने के बाद अबॉर्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो यदि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो पति और पत्नी दोनों को ज़रूरत है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और वज़न को संतुलन में रखें। एक आइडियल वेट कितना होना चाहिए, कि कहा भी जाता है कि हाइट के हिसाब से वजन होना चाहिए, तो उसे BMI कहा जाता है। BMI का रेंज ये डिपेंड करता है आपके वज़न पर, किलोग्राम में कितना वज़न है और आपकी हाइट कितनी है मीटर या सेंटीमीटर में, उसका एक फॉर्मूला होता है। 25 के नीचे BMI होना बहुत ज़रूरी है, 25 से ऊपर को अब नॉर्मल माना जाता है, प्रीओबीज माना जाता है। इस दरमियान जो है, जैसा कि आपने बताया, एक्सरसाइज का, डाइट का, तो डाइट में क्या क्या चीज़ों को ऐड किया जा सकता है? दरअसल ये डिस्कशन तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हेल्दी डाइट इंक्लूड करता है सब्जियां, फल, जो भी नेचुरल चीज़ें आपको मिलती हैं, जो आप घर पे नॉर्मल खाना खाते हैं, वो हेल्दी माना जाता है। इसके बनिस्पत पैक्ड चीज़ें जो होती हैं, जो दुकानों में मिलती हैं, पैकेट में जो मिला जाता है, रेडीमेड फूड, रिफाइंड फूड, ये सब चीज़ों को अवॉइड करें। घर पे जो देसी खाना होता है, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, ये सबसे बेस्ट खाना होता है। साथ साथ बहुत सारा कच्ची चीज़ें, स्प्राउट्स और सैलड्स, ये सबको इंक्लूड करें।